हरियाणा देखने और सुनने वाले ने भाई जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। साधन फुड़ू आए लठ मरुआए, जे माथा में गोली मरवावे तो भी कौन मानना भाई, नकटे आदमी हाँ। तो आज का जो भ्रष्टाचार है टोहाना के पंचायत मंत्री हेड थे, टोहाना थे तमने बेरा है मौजूदा जो विधायक हैं वो, और नू को है मेरे हल्का में कड़ियाँ भी भ्रष्टाचार नहीं होंगे। दर्जे में दिखाने लायक जो नू को 20-30 मिला एक चट्ठा कर लाएगी होगी। मैं वाटर वर्क्स में जो बड़ी नहर है जो अपना जो बोल दें भाई इशार रोड पर जो दो नहर पट है उनमें सीधे आए जावा तो एक टैंक बनने लग रहा है। टैंक क्या गा है वाटर वर्क्स का नाले पानी वाली डिग्गी का। तो अड़ा नू देख लो एक बार कितनी सही ईंट है। एक बारी मन नू लागा जो सी में बता अगर इन्हें बोले 50 एक ठीक के नाम 50 गलत पावे हैं अड़ा 85 में सा ठीक पाऊंगी। प्योर पीले टोलडे लाने लग रहे जमा खुरिया माल लाने लग रहे। तो सोचने वाली बात है या तो उसका है बड़े अधिकारियों की मिली भगत या किसी नेता की मिली भगत। अपना अपना ईमानदारी नू कह रहा नहीं रुक के मारागा छाती ठोकेगा नू कहूगा मेरा बरगा कड़िया भी नू बजा ईमानदार आदमी नहीं है, कोई भी ईमानदार आदमी नहीं है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ तमने उसे का लक्का है सबसे ईमानदार आदमी अपना आपने जो रुक के मार छाती कुट कुट का बता हुआ नू बोला मेरे तय ईमानदार आदमी कोई है नहीं। उसका लक्का मैं और वाटर टैंक बनने लग रहा तो नू देख सको था मैं एक बार हालात के किस डालगा मटेरियल यूज होने लग रहा है। यूँ तो मैं उन्हें तर तक दिखा दिया लेकिन जब तरला की बात करांगे नहीं पाछा एक टैंक बनाया सरिया इतनी इतनी दूरी पर एक एक सरिया लग रहा तो खुद अंदाजा ला इसको कितना भ्रष्टाचार है। लेकिन होना जाना कुछ नहीं क्योंकि 10 दल रख रखे हैं सोशल मीडिया चलाने खातर वह पानी मारे जावे महारा नेता नू बोलिया गच नेता महारा नेता नू बोलिया सबता ईमानदार नेता। लेकिन पूछण वाला हो वह चेहरे लाइक वह नू अगर है 4-5 लाइक पाओगे पेजा में लेकिन वह पाव कौन छेंगे वह भी पानी मारेंगे पाओगे। लेकिन जो ओरिजिनलिटी दिखाने की बात है ना पवन गिल दबा था ना कबूतर भी लिया दबा करदा लेकिन जो असली रियलिटी ग्राउंड स्तर पर जो भ्रष्टाचार दिखेगा वो दिखावांगे और दिखान दे रहे हैं भाई। तो मेरे गलत से कोई लागो ना लागो मैंने उस चीज़ का मैं वो को नहीं करता भाई तेरा गल कितना देश खड़िया गला लागण वाला ना। मेरा काम एक है पत्रकार का जिस दिन मैंने माइक आईडी पकड़ी थी ठेठ हरियाणा स्टार्ट करया था उस दिन एक चीज़ सोची थी सिर्फ और सिर्फ सच दिखाना है। जो जनमानस की समस्याएं हैं मुद्दे हैं भ्रष्टाचार जितने होने लग रहे हैं सरकार में वो चीज़ मैं दिखाऊंगा और वो मैं दिखाने लग रहा हूँ। वो ना तो गोली का दबदा ना वो बंदूकों का दबदा ना तोप वाले गोलियों का दबदा और ना भाई ना मर्दाली जो हरकत करें हैं पाछा दें किमें किमें कर जाए कुएं तोड़ा मार गए कुएं कंकर मार गए जुगर साली जी जगला में खोल कर रहा हूँ करें भाई उन तो मेरा किमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ग्राउंड स्तर की सच्चाई हवा दिखाता रहा हूँ रहूँगा तो तमें देख सको किस डाल का पीला टोड़ा यूज होने लग रहा है वाटर टैंक बनने लग रहा है। ये छोटी चीज़ को नहीं इसमें तो मेरे हिसाब में पुगन खराक टुहाना में पानी सप्लाई होना है और इसके हालात तमें देख सको थोड़ा को नहीं भाई दूर की दूर दिखा दे कितना पिल्ला टोड़ा एक इंट सुतरी एक पिल्ली एक सुतरी एक पिल्ली एक चैन बना रखी है चैन के बना रखी है एक पिल्ला टोड़ा लाना है एक सूत्रा लाना है एक पिल्ला लाना है एक सूत्रा। चलो कया करा पे 500 टोड़े आ जाए कोई बात नहीं होती भाई वह सारे पैजे हैं इसी बात नहीं। लेकिन जब बात करा तो सारा रोल है ऐडा भी जो सरिया की बात करा जनू लिया रखा वो सरिया लाने लग रहे हैं सरिया भी जर लग गया सरिया जिस पर जर लग रहा सरिया पर वो ऐडा यूज होने लग रहा है बड़ी वो है छोटा गोलमाल नहीं है बहुत बड़ा गोलमाल है सरिया भी वो हर सरिया की जे उसमें देखोगे तो हमें इसका एस्टिमेट में इतनी वाह नहीं मिलेगी या इतना इतना पाया गया मेरे हिसाब में जड़ तक मैंने आज तक देखे हैं एस्टिमेटा में लेकिन पूरा फुट फुट पर सरिया दरिया है तो उरा भी गोलमाल है। अरे यू गोलमाल भाई उस ईमानदार नेता का राज में है जो अपना अपना सबसे बड़ा ईमानदार सबसे बड़ा नुबला किसान इते सी मजदूर इते सी नुबला जनता का नुको है जो मैं सबसे बड़ा ईमानदार आदमी उसका राज में होने लग रहा है। जितना उसका वीडियो शेयर कर दियो जय जवान जय किसान।